भारतीय की बीके टाइम्स न्यूज। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीके टाइम्स न्यूज और मैं हूँ आपके साथ छवि। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन को आज 100 दिन पूरे हो गए हैं। इसी मौके पर किसान नेता चक्का जाम कर रहे हैं। किसानों की कोशिश है कि लगातार इस तरह के कार्यक्रम करके सरकार पर दबाव बनाया जा सके ताकि उनकी ओर से बातचीत की पहल शुरू की जाए। किसान बातचीत के लिए तैयार है लेकिन सरकार की ओर से अभी उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया है। सरकार और किसान नेताओं के बीच पहले दौर की बैठकें हो चुकी हैं, बावजूद इसके गतिरोध बरकरार है। बातचीत बंद होने के बीच कैसे चलेगा आंदोलन? वहीं आज किसानों ने स्वावेदन कुंडली मानेसर एक्सप्रेसवे जाम कर दिया। किसान एक्सप्रेसवे पर बैठे हैं, यहां गाड़ी के ऊपर स्टेज बनाया गया है। किसान नेता इस पर चढ़कर भाषण दे रहे हैं। आवाज हर भारतीय की बीके टाइम्स न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीके टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। कोरोना टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण में देश में अब तक 2 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा चुका है। इसमें करीब 19 लाख आम लोग हैं जो या तो 60 साल से ज्यादा उम्र के हैं या फिर 45 पार के गंभीर बीमार लोग हैं। दिल्ली के मूलचंद अस्पताल में कोरोना टीकाकरण के लिए आ रहे बुजुर्गों का खास ख्याल रखा जा रहा है। आवाज हर भारतीय की बीके टाइम्स न्यूज़। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीके टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली एसयूवी स्कॉर्पियो गाड़ी के मालिक हिरेन मनसुख ने मौत से एक दिन पहले राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने पुलिस अधिकारियों और पत्रकारों द्वारा परेशान किए जाने की बात कही थी। बहरहाल इन सबके बीच शुक्रवार को जिस तरह से उनका शव मिला उसको लेकर कई सवाल खड़े होने लगे हैं और इस पूरे मामले में महाराष्ट्र के विरोधी पक्ष नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जांच अधिकारी पर सवाल उठाए हैं और साथ ही इस पूरे मामले की जांच एनआईए को सौंपने की मांग की है। मनसुख हिरेन का पहली बार नाम तब सामने आया था जब पता चला कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो में विस्फोटक मिले थे। तब उन्होंने बताया था कि उनकी कार चोरी हो गई थी। अब उनका शव मुंबई से लगे थाने में मिला है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले में सरकार को भी घेरा और जांच अधिकारी को भी। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।